कावेरी नदी के बंटवारे को लेकर विवाद 19वीं शताब्दी से जारी था। उस वक्त ब्रिटिश राज के तहत ये विवाद मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर राज के बीच था। आजादी के बाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद ने नया रूप ले लिया। कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ही राज्य का कहना था कि उन्हें सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है। कावेरी बेसिन में कर्नाटक का 32,000 वर्ग किलोमीटर और तमिलनाडु का 44,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका शामिल है। कर्नाटक का कहना है कि बारिश कम होने की वजह से कावेरी में जल स्तर घट गया है, इसलिए वो तमिलनाडु को पानी नहीं दे सकता। इसके खिलाफ तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तमिलनाडु का कहना है कि उसे हर हाल में पानी चाहिए, वरना उसके लाखों किसान बर्बाद हो जाएंगे। दूसरी तरफ कर्नाटक का तर्क है कि सूखे की मार झेल रहे राज्य में कावेरी का ज्यादातर पानी बेंगलुरु और अन्य शहरों के पानी के लिए इस्तेमाल होता है, सिंचाई के लिए पानी बच ही नहीं रहा है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच इस विवाद को सुलझाने के लिए जून 1990 में केंद्र सरकार ने कावेरी ट्रिब्यूनल बनाया। 16 साल की सुनवाई के बाद 2007 में कावेरी ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया, लेकिन कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ही ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कर्नाटक को ज्यादा पानी देने का आदेश दिया, जबकि तमिलनाडु को मिलने वाले पानी की मात्रा सुप्रीम कोर्ट ने घटा दी। कोर्ट ने कावेरी नदी का 177.25 हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी तमिलनाडु को देने का आदेश दिया, जबकि कर्नाटक के हिस्से में 14.75 हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी बढ़ाया। कोर्ट का यह फैसला बेंगलुरु शहर की ज्यादा जरूरतों को देखते हुए दिया गया। दशकों से चले आ रहे विवाद पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फैसला लागू कराने का आदेश दिया।